अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ हैदराबादी लंच मेन्यू शेयर कर रही हूँ। किसी दिन लंच पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। आसान है ये सभी रेसिपीज, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। वीडियो आखिर तक देखिए। तो आज हम बनाने वाले हैं खीमा दम खिचड़ी, बघारे टमाटर और क्रिस्पी चिकन फ्राई के बेहतरीन तीन रेसिपीज। तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल कुक विद फैम सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और भी सेलेक्ट कर लें। बघारे टमाटर बनाने के लिए सबसे पहले एक विजल गरम कर लें। इसमें डालिए 5 टेबलस्पून भर के तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें डालिए 2 छोटे साइज की कटी हुई प्याज। प्याज को फ्राई कर लें, गुलाबी रंग आने दें, इसे ब्राउन ना करें, यानी ज्यादा फ्राई ना करें, फ्लेम को हाई पे ही रखिए। प्याज का रंग बदल गया है, इसमें डालिए 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से भून लें। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालिए 1 टीस्पून भर के हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून या 3 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि हम इसमें टमाटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं। नमक मिक्स कर लें। अब इसमें डालिए कटे हुए टमाटर, ये 750 ग्राम है। टमाटर 10 से 12 होंगे। टमाटर डालने के बाद मिक्स कर लें। दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही ऐसे ही मिक्स करते जाइए इसे। 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे टमाटर अच्छे से गलने तक हम ऐसे ही पकाते जाएंगे। 10 या 15 मिनट भी लग सकते हैं। देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये आराम से गल जाएंगे, क्योंकि टमाटर में बहुत सारा पानी निकलता है। और थोड़ी देर इसे पकने देते हैं, लिड बंद कर दें। टमाटर तो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें अब मैश कर लें। चलिए, हैदराबादी स्टाइल बघारे टमाटर तो परफेक्टली डन है। आखिर में इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दें कटे हुए और मिक्स कर दें। फ्लेम बंद कर दें। अब नेक्स्ट हम खीमे की तैयारी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम खीमा और इसमें डालिए 2 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज, लाल मिर्च पाउडर डालिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के नमक डाल दें, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दें, थोड़ा सा नींबू का रस 2 टीस्पून या 1 टीस्पून। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लें खीमे के साथ। खीमे के साथ सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें। अब नेक्स्ट एक पैन या कढ़ाही गरम कर लें और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें, 2 टेबलस्पून डालिए, ज्यादा हमें नहीं लगेगा खीमे के लिए। हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से गरम कर लें। तेल गरम हो चुका है, खीमा डाल दें। खीमे को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनिए। दो से तीन मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे खीमे को गला लें, ये पानी कम्प्लीटली सूखने तक। इसी दौरान खीमा भी अच्छे से गल जाएगा हमारा। इसके लिए हमें एक 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आप चेक करते रहिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, खीमा तो हमारा अच्छे से गल चुका है, इसे हम अब ड्राई कर लेते हैं।
ये मटन खीमा है, बहुत जल्दी गल जाता है, इसके लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 या 3 सीटी में गल जाता है। इसे ड्राई कर लें, थोड़े से धनिया के पत्ते डाल के फिर से मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से हमें इसे ड्राई करना है, पानी बिल्कुल भी रहने ना दें इसमें। खीमा हमारा रेडी है, फ्लेम बंद कर दें। खिचड़ी के लिए हमें चाहिए 1/2 किलो चावल। इस बार मैं सोना मसूरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, बासमती चावल नहीं। अगर आपको बासमती पसंद है तो आप बासमती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलाव खिचड़ी बनाते वक्त हमेशा चावल को मेजर कर लें। इस ग्लास से 3 ग्लास है और चावल के साथ हम इसमें मूंग दाल डालेंगे, 1/2 ग्लास मूंग दाल अच्छे से रोस्ट करके डालिए। ये 100 ग्राम है, चावल 500 ग्राम और मूंग दाल 100 ग्राम। इसे अच्छे से धो लें, अच्छे से धो के इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें भीगने के लिए, 15 मिनट काफी है। खिचड़ी बनाने के लिए एक पैन गरम कर लें और इसमें डालिए 4 से 5 टेबलस्पून भर के तेल। तेल गरम होने के बाद इसमें डालिए 1 टीस्पून शाहजीरा, 4 लौंग, 3 इलायची, 1 दालचीनी का पीस। तेल गरम हो चुका है, स्पाइसेस डाल दें। इसे सॉटे कर लें 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकेंड के बाद इसमें एक बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। रंग गुलाबी होने तक फ्राई करते जाइए हाई फ्लेम पर ही। प्याज का रंग बदल गया है, इसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, भून लें। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1 टीस्पून काफी है। नमक डाल दें 1 या 1.5 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के भूनिए इसे। 3 हरी मिर्च डाल दें, थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें, मिक्स कर लें। 30 सेकेंड के लिए इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी डाल दें, फ्लेम को हाई पे रखिए। पानी मैंने इस ग्लास से 6 ग्लास डाला है, हाई फ्लेम पे इसे पकने दें, यानी बॉईल होने दें, उबलने दें। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें भीगने रखे हुए चावल डाल दें। मिक्स कर लें, एक से दो बार मिक्स करके इसके ऊपर लिड बंद कर दें। आप फ्लेम को हाई पे रखिए, चावल पकने दें। खिचड़ी में पानी देखिए ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, इस वक्त फ्लेम को लो पे रख दें और इसके ऊपर हम खीमा रख देते हैं। इसे थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर दें। इसके ऊपर इस तरह से खीमा डाल दें। बहुत मजे की खिचड़ी है ये, आप लोग जरूर ट्राई करें। खीमा का लेयर बनाने के बाद थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, 1 या 2 धनिया के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते और ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल दें, 2 टीस्पून भर के। अब इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे रख दें 5 से 8 मिनट के लिए। आप चाहें तो इस पैन को तवे के ऊपर भी रख सकते हैं। तवे के ऊपर अगर आप रखेंगे तो इसे 15 मिनट रखना होगा, पहले 2 मिनट हाई फ्लेम पे और उसके बाद लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से दम हो जाएगी हमारी खीमे की खिचड़ी। 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, गर्मा गर्म और मजेदार खीमे की खिचड़ी हमारी रेडी है। देखते हैं कि कैसी बनी है। अरे वाह, बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इसमें।
चावल भी खिला खिला बना है। इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें। खीमे की खिचड़ी हमारी रेडी है, बगारे टमाटर भी रेडी है। आखिर में हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 350 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन के पीसेस छोटे साइज में कट कर लें। अब नेक्स्ट हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें डाल रही हूं मैं नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून भर के चिकन मसाला पाउडर डाल सकते हैं या गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी। थोड़ी सी हल्दी डाल दें 1/2 टीस्पून, आधे नींबू का रस, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, यह कश्मीरी है, बहुत अच्छा कलर आएगा इससे, 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा तेल 2 टीस्पून, कॉर्नफ्लेवर डाल दें 4 टीस्पून भर के, बाइंडिंग के लिए है ये और क्रिस्पीनेस के लिए भी। हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग सोडा भी डाल देते हैं 3 से 4 चुटकी। सभी इंग्रेडिएंट्स सब अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन के साथ तो सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे बस एक 10 मिनट के लिए रख दें मैरिनेट होने के लिए, उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। चिकन फ्राई करने के लिए हमें कड़ाही में तेल चाहिए। तेल ज्यादा ले लें क्योंकि हम चिकन डीप फ्राई करने वाले हैं। पहले तेल को हाई फ्लेम पे गरम कर लें। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा, फ्लेम को मीडियम पे रख के ही चिकन फ्राई करिए, वरना चिकन बाहर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तेल हमारा परफेक्टली गरम हो चुका है। धीरे से इसमें चिकन के पीसेस डालते जाइए और फ्राई करते जाइए। फ्लेम को मीडियम पे रखना ना भूलें। चिकन को हम बैचेस में फ्राई करेंगे। चिकन के पीसेस डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही फ्राई होने दें। स्पून मत डालिए वरना मसाले अलग हो जाएंगे चिकन से। इसी तेल में हम थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से धनिया के पत्ते, बहुत अच्छी खुशबू आएगी चिकन में इनकी। अब धीरे से आप स्पून डाल सकते हैं, मसाले अलग नहीं होंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कितना अच्छा कलर आया है। पीसेस छोटे हैं इसलिए बस एक 5 से 10 मिनट में ही ये पक जाएंगे, अंदर तक गल जाएंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे। बहुत ही ज्यादा खुशबूदार, बहुत ही क्रिस्पी और कलरफुल चिकन फ्राई का पहला बैच हमारा रेडी है। देखिए इसे टिश्यू के ऊपर रख दें। चिकन फ्राई भी कितना मजे का लग रहा है। आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, यानी खिचड़ी, चिकन फ्राई और बगारे टमाटर, कॉम्बिनेशन बेस्ट है, आपके सभी घर वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। खिचड़ी के साथ पापड़ का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होता है। गर्मा गर्म खीमा दम खिचड़ी तो रेडी है। इसे बगारे टमाटर और क्रिस्पी चिकन फ्राई के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, साथ में पापड़ और अचार भी। इन रेसिपीज को बनाने के बाद भी फीडबैक जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं आज की ये मज़ेदार कॉम्बो रेसिपी आपको कैसी लगी।